हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आपके डायरेक्ट टैक्स इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट। ये आपके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है यहाँ पर टैक्स। तो ये टैक्स होता क्या है? तो टैक्स जो होता है वो एक तरीके का फ़ी है जो कौन चार्ज करता है हम पर? गवर्नमेंट। सो टैक्स इज़ अ फी चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्ट, इनकम और एनी एक्टिविटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर, या कोई हम इनकम अर्न कर रहे हैं या हमारे कोई एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी के ऊपर हमसे क्या कर रहे हैं, वो टैक्स कलेक्ट, चाहे फी कलेक्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, टैक्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो, राइट? तो ऑनलाइन जब आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो या शॉप पर आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो, तो उसका बिल अगर आप देखेंगे तो उस बिल में प्रोडक्ट के प्राइस के अलावा उसके ऊपर GST लगाया जाता है, राइट? तो वो क्या हो गया, आप टैक्स पे कर रहे हैं जब आप एक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो। या आप मैकडॉनल्ड्स या डोमिनोज में खाना खाने जाते हो, तो जब आप उसका टोटल करेंगे बिल का, राइट, जो भी आपने बर्गर या पिज़्ज़ा परचेस किया है, उस टोटल के अलावा आप देख पाएंगे कि 2.5% का CGST, 2.5% का SGST उस पर लगाया जाता है, राइट? तो ये क्या हो रहा है कि जब हम कोई भी परचेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो हमसे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट एक फ़ी कलेक्ट करती है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, टैक्स। ठीक है, वैसे ही कोई इनकम, अगर हम जो भी इनकम कोई इंडिविजुअल या कोई बिजनेस अर्न करता है, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट जो एक फ़ी चार्ज करती है, वो टैक्स हो जाएगा। या हम कोई एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम मूवी देखने के लिए गए या हम रिसॉर्ट में जाते हैं, तो जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी का जो भी हम चार्जेस पे कर रहे हैं, मूवी के लिए हम टिकट निकालेंगे, रिसॉर्ट्स के लिए भी हम टिकट लेंगे, तो उस टिकट के ऊपर भी हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को हम एक टैक्स पे करते हैं। ठीक है, हम उस काउंटर पर पे कर देते हैं वो अमाउंट, और वो जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, रिसॉर्ट वाले या शॉप वाले, वो गवर्नमेंट को टैक्स जो है वो जमा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये गवर्नमेंट हमसे क्या करती है, एक फ़ी चार्ज करती है ऑन आवर प्रोडक्ट्स, इनकम एंड एक्टिविटी, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स। अब ये गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? ठीक है, तो टैक्स कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या होता है? तो गवर्नमेंट रेजेस फंड्स बाय टैक्स। ये टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंड्स रेज कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने होते हैं। अब देखिए, आप जहाँ पर रहते होंगे, आपके रेसिडेंशियल सोसाइटी में, फ्लैट्स में, तो वहाँ पर तो आपने क्लीनर रखा होगा जो आपके सोसाइटी का क्लीनिंग करता है, राइट? बट हमारे जो रोड्स होते हैं, मेन रोड्स, हाईवेज, ये सारी जगह पे भी क्लीनिंग होती है, लेकिन उनको तो हमने अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो वहाँ पे क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। तो उनको जो पेमेंट किया जाता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट पे करती है। वैसे जो हमारे डिफेंस सेक्टर्स हैं, राइट, डिफेंस में जो हमारे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब का जो पेमेंट होता है वो कौन पे करता है, तो वो भी कहाँ से जाता है, गवर्नमेंट के फंड्स में से जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैसे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, कंट्री में बड़े बड़े हाईवेज, ब्रिजेस, ये सब बनाना है, तो बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो गवर्नमेंट ये टैक्स के पैसे से ये सारे काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली टैक्स जो है वो एक फ़ी है, गवर्नमेंट क्यों रेज करती है, टू मीट द एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टैक्स की बात करें तो ये टैक्स जो है वो डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन के इनकम के ऊपर डायरेक्टली उससे लिया जा रहा है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इनकम टैक्स बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक इनकम टैक्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी पर्सन का इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपये है पूरे साल का, एनुअल इनकम उसका अगर 6 लाख हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहेंगी ठीक है आपने 6 लाख कमाया इस साल, तो इस हिसाब से आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने 10 लाख कमाया इस साल तो आपको इतना टैक्स भरना होगा, वैसे तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होगा, कि वो आप किसी पर्सन से डायरेक्टली नहीं ले रहे हो, वो आप इनडायरेक्टली किसी पर्सन से लेते हो, जब वो कोई प्रोडक्ट परचेस करता है या वो कोई एक्टिविटी के लिए एनरोल करता है, तो उसे इनडायरेक्टली ले लिया जा रहा है अमाउंट उस प्रोडक्ट के साथ साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, इनकम टैक्स और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। मतलब किसी पर्सन का कोई फॉरेन, दूसरे कंट्री में, इंडिया के बाहर वो कोई इनकम अर्न कर रहा है या इंडिया के बाहर उसके कोई एसेट्स है, उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये दो टैक्स, इनकम टैक्स जो उसने इस साल कमाया है इनकम उसके ऊपर, और जो उसके अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट्स है उसके ऊपर क्या है, वो जो टैक्स रहेंगे वो, तो ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के पार्ट होंगे। और वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वन इज़ GST जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट, और हमारा कस्टम ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बिजनेसेस को पे करना पड़ता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है। तो अभी ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट है और ये डायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स क्या है कि अगर किसी पर्सन का इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट क्रॉस करता है तो उस इन पर्सन को क्या पे करना होगा, इनकम टैक्स पे करने के लिए आएगा, राइट। मतलब अगर कि हम कहते हैं कि बेसिक लिमिट जो है वो 3 लाख रुपीज़ है मान लीजिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपका पूरे साल का इनकम 3 लाख रुपीज़ से कम है तो फिर आपको कोई टैक्स पे करने के लिए आएगा नहीं, राइट। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका आपका इनकम टोटल 3 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप गरीब हो तो आपसे हम टैक्स लेंगे नहीं। फिर जो ज़्यादा अर्न कर रहा है उससे हम टैक्स ज़्यादा लेंगे वैसे, तो वो क्या हो गया डायरेक्ट टैक्स, कि वो आपके इनकम के हिसाब से डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप कम भी अर्न करते हो, ज़्यादा अर्न करते हो, अगर आप 3 लाख से कम भी कमा रहे हो पूरे साल, तो भी आप वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जा रहे हो, राइट। तो आपको उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसका टैक्स क्या करना होगा, पे करना ही होगा, तो वो प्रोडक्ट के साथ आ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो उसके पीछे देखोगे MRP लिखा हुआ रहता है, कई बार MRP के बाजू में ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो मतलब क्या है कि उसके अंदर वो इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या हो गया, आ गया सारा, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं फिलहाल इनकम टैक्स के बारे में पूरा, ठीक है। आगे आपको किसी सेमिस्टर में आ सकता है GST के बारे में, जो कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट होगा, ठीक है। टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स वो हमें नहीं है, राइट। वैसे ही कस्टम ड्यूटी हो सकता है आपको किसी सेमिस्टर में आगे हो, बट फिलहाल हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, इनकम टैक्स पर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज़ हमारे लॉ गवर्निंग द इनकम टैक्स। कि ये जो इनकम टैक्स है ये कैलकुलेट कर रहे हैं कौन, कैलकुलेट करता है, तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं जो टैक्स का पूरा कैलकुलेशन करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, राइट। वो है लॉ गवर्निंग द इनकम टैक्स, राइट, कि इनकम टैक्स का ऊपर कौन से लॉज है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो आपने लॉ में, इसके पहले लॉ में सब लॉ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा अलग अलग एक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, कंपनीज एक्ट, तो इसी तरह इनकम टैक्स का भी एक एक्ट पास किया गया था 1961 में, ठीक है। तो उस एक्ट के अंडर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे वो एक इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय क्या करना है, फॉलो करने होते। उसके अलावा ईयर 1962 में इनकम टैक्स रूल्स पास किए गए, तो उसमें भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे वो भी क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय उनको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारा बॉडी है इनकम टैक्स का, जिसका नाम होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट, CBDT शॉर्ट फॉर्म है उसका, जिस तरह से सिक्योरिटी मार्केट के लिए, शेयर्स के लिए SEBI है, राइट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी तरह टैक्स के पर्पज़ के लिए उसका एक कमेटी है जिसका नाम क्या है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। ये जो होते हैं वो पीरियोडिकली हर 3 महीने में या 6 महीने में वो क्या करते हैं, सर्कुलर्स पास करते हैं, तो उस सर्कुलर्स के अंदर जो भी उनके गाइडलाइंस आए होंगे उस गाइडलाइंस को भी क्या करना होगा, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय क्या करना है, ध्यान देना होगा, ठीक है। इसके अलावा राइट, जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब कई बार क्या होता है कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि कोई भी रूल बनता है, राइट, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे तो उसमें लूप होल्स ढूंढते हैं कि किस तरह से मैं टैक्स से क्या कर सकता हूँ, बच सकता हूँ, राइट। तो उस समय और वो क्या होता है कि गवर्नमेंट बाद में या CBDT हो सकता है बाद में क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमारी वो क्या करेगी कि वो इंडिविजुअल को या वो फर्म को पकड़ लेती है कि ये लोग अपनी इनकम टैक्स पे कर रहे नहीं है या अपनी इनकम को छुपा रहे हैं, राइट। बट वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर ये जो भी रूल्स हमारे अब तक पास हुए हैं उनमें उन्होंने कोई तो लूपहोल निकाला होगा और उसकी मदद से वो छुप रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी कोई चीज़ जब उनके ध्यान में आती है तो उसके ऊपर वो जजमेंट पास करते हैं, ठीक है, कि अभी से ये रूल हो गया है कि इस तरह से इनकम होगा तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा और टैक्स पे करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आता है तो वो भी क्या करना होगा, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे सारे लॉज गवर्निंग द इनकम टैक्स। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ हमें डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज सेक्शंस की अगर हम बात करें तो कई सारे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के अंदर, राइट, बट हमें यहाँ पर पढ़ना है टोटल ओनली 1 to 80 सेक्शन।
बट उसमें भी कुछ कुछ सेक्शंस जो है वो हमें नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं खाली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट, जो हमारा पहला चैप्टर है ऑफ इनकम टैक्स, उसमें हम लोग चार सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 1-4, ठीक है। उसके बाद हमारे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड वेरियस हेड ऑफ इनकम जो हम लोग करेंगे आगे, यानी हमारे चैप्टर नंबर 3 से, जहाँ पे हमारा हेड्स ऑफ इनकम आता है, राइट। किसी भी पर्सन का टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड से टोटल इनकम निकाले जाते हैं, ठीक है। उन हेड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे अभी, राइट। तो 5 हेड से मिलाकर उस पर्सन का टोटल इनकम कितना आ रहा है वो फाइंड किया जाता है, राइट। तो वो सारे हेड्स के बारे में, राइट, इन डिटेल हमें एक एक पढ़ना है, वो हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम सेक्शन 5 to सेक्शन 59, ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ने हैं डिडक्शंस। तो सेक्शन 59 के बाद कुछ सेक्शंस हमें नहीं है, डायरेक्टली हम लोग डिडक्शन मतलब डिडक्ट मतलब होता है माइनस। तो गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशन देती है कि जो भी हमारा टोटल इनकम आ रहा है उसमें से हम लोग कुछ अमाउंट डिडक्शन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बताए हुए कुछ जगह है जहाँ पर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अगर, तो हमें डिडक्शन मिल सकता है। तो वैसे जो डिडक्शंस है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 80 में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है जो हमें क्या करना है इस सब्जेक्ट में अभी करना है, ओके। अब कौन से चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सिलेबस। तो सबसे पहला हमारा बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग आज करने वाले अभी, राइट, इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 1-4 जो हमारा बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। इसके बाद रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें क्या होता है, हम किसी भी इंडिविजुअल को इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाते हैं, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस किसी पर्सन का पता चलेगा उसके बाद हम जो है उसके ऊपर कौन से इनकम के ऊपर उससे टैक्स लेना है हमसे, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम पर। तो बेसिकली यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाना और उसके हिसाब से स्कोप ऑफ टोटल इनकम में कौन से इनकम पे उस पर्सन को टैक्स पे करना होगा वो हम लोग यहाँ पे स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ते हैं। ये सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में आ जाते हैं। उसके बाद सेक्शन 3 चैप्टर आपका सैलरी, जहाँ पर किसी पर्सन को कोई अगर कहीं पर जॉब कर रहा है तो उसको जो भी पेमेंट उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, राइट, या हो सकता है कोई परक्यूजिट, या उसको ग्रेचुटी मिला या उसको पेंशन मिला, जो भी अमाउंट उसको उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो सारा उसके सैलरी का पार्ट होता है। बट इसके साथ साथ कौन से ऐसे रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी चीज़ टैक्सेबल होती है, कौन सी चीज़ टैक्सेबल नहीं होती सैलरीज में भी, वो आपको यहाँ पे सैलरीज चैप्टर में पढ़ने मिलेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, जहाँ पर किसी पर्सन का कोई हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यानी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है, राइट, वो उसने किसी को रेंट पर दिया, एक घर में तो वो खुद रह रहा है बस, बट उसका और एक प्रॉपर्टी है जो उसने किसी को क्या किया है, रेंट पर दिया। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या हो सकता है, उससे कोई इनकम आ रहा है रेंट, राइट, तो वो रेंट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर अच्छा आपको रेंट मिल रहा है तो ये आपके लिए इनकम आ रहा है, तो चलो इसके ऊपर टैक्स भर कर पे करो। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसे हाउस प्रॉपर्टी से जो रेंट अर्न कर रहे हैं उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर कोई पर्सन जॉब नहीं कर रहा, मान लीजिए वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है या मिठाई की दुकान है या कोई भी बिजनेस है, राइट, या तो फिर वो पर्सन किसी प्रोफेशन में है, या लाइक वो डॉक्टर है, लॉयर है, राइट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा उससे वो फीस अर्न कर रहा है, तो उस पूरे बिजनेस या प्रोफेशन से उसको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल गेन, जहाँ पर हम लोगों के पास कोई एसेट है हमारे बिजनेस में, लैंड, राइट, या मशीनरी, ये हमने एसेट अगर हम बेच रहे हैं बट बेचकर हमें क्या हुआ, फ़ायदा हो रहा है कोई, तो उस फायदे को यानी गेन को भी क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल गेन। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अलावा ये जो चार हेड हमने देखे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन के अलावा, अगर मुझे कोई भी इनकम अगर मिला है, राइट, तो वो मुझे कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में मैंने पैसे रखे हुए, उस पैसे पे मुझे क्या मिला बैंक से, इंटरेस्ट मिला, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी अदर इनकम हम अर्न कर रहे हैं ये चार हेड को छोड़कर, तो वो हमें कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपका ये जो 5 हेड को अगर हम ऐड करेंगे, सैलरी से लेकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उससे जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस लेते हैं, राइट। तो ऐसे कौन से डिडक्शंस है वो हम लोगों को ये चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, ठीक है। और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें खाली सम्स है कि ये जो हमने हेड्स पढ़े और डिडक्शंस
पढ़े उनकी मदद से हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है किसी इंडिविजुअल का, ठीक है। तो हो सकता है किसी पर्सन इंडिविजुअल है और उसका आपको बोला है कि उसका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुआ है और उसके सैलरी के पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ पे वो दो हेड का पूरा कैलकुलेशन करके पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, फिर आप डिडक्शंस लेंगे तो आपको टोटल इनकम पता चलेगा उसका, नेट टोटल इनकम ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स में आपको क्या है, कंसेप्ट और सम्स दोनों है, ठीक है। अब इसमें टैक्स करना कैसे, तो स्टूडेंट्स कैसे होगा ना कि टैक्स ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी है सम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में ये पूरा का पूरा आपको सम पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है, राइट। खाली लास्ट में आपको कुछ शॉर्ट नोट हो सकता है, बट बाकी जो आपका ये रहेगा उसमें पूरा आपको क्या रहेगा, सम्स ही रहेंगे। ये सम्स बहुत ही ईजी रहेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको खाली प्लस माइनस ही करना है जो भी चीज़ें दी है उसमें, तो आपको कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये जो सारे चैप्टर्स है उसके अंदर थियरी है, ये थियरी आपको याद रखना होगा तो ही आप क्या कर सकते हो, उसके सम्स सॉल्व कर सकते हो। तो हो सकता है कि आपके थियरी के जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसके आपको दो वीडियो या तीन वीडियो रहे, बट वो जब आपको समझेगा कंसेप्ट उसका पूरा तो ही आप उसके सम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो थियरी के जो लेक्चर्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे और सम्स बहुत ही क्या रहेंगे, आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका 5 मिनट के अंदर सम हो जाएगा, बिकॉज सम्स में आपको खाली क्या करना है, वो चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है, बट बस उसका कंसेप्ट आपको पता है तो आप ईजिली उसको प्लस या माइनस क्या कर लेते हो, कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट पे हम कंसेप्ट पर आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको सम्स जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सिलेबस डिस्कशन हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे बेसिक कंसेप्ट का पहला सेक्शन, दैट इज़ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो ये सेक्शन बताता है हमें कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द एक्ट इज टू बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसे क्या कहना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहना है, एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि पूरा जो हमारा इंडिया है उसमें वो क्या होता है, एप्लीकेबल होगा। अब इंडिया मतलब क्या, तो उसका भी उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर द अबो पर्पस वुड कवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब जो हमारा लैंड दिखता है हमें इंडियन टेरिटरी का, वो तो इंडिया में आता ही है, राइट। तो उसके ऊपर अगर आपने कोई भी इनकम अर्न किया है तो उसके ऊपर तो आपको टैक्स पे करना होगा, क्योंकि वो आपके इंडियन टेरिटरी पे आपने अर्न किया है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा टेरिटोरियल वाटर, मतलब इस टेरिटोरी के अंदर ही कई बार आपने देखा होगा रिवर्स होते हैं, राइट, इनलैंड रिवर्स, राइट, रिवर वाटरवेज, तो वो सब क्या होता है, आपको टेरिटोरियल वाटर में आ जाएगा। तो उसमें भी अगर आप कोई इनकम अर्न करते हो तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आपको उन्होंने कहा सी बेड एंड सब सॉइल, मतलब क्या होता है, ये जो सी होती है हमारी, राइट, ये सी के अंदर जो नीचे का ज़मीन है, पानी के नीचे का ज़मीन है, उस पर या उसके सॉइल से आपने कोई इनकम अर्न किया तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया का पार्ट हो जाता है, वहाँ पे भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब हमारा जो पार्ट है पूरा कॉन्टिनेंट्स, राइट, इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहेंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ एरियाज़ को क्या किया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, ठीक है, तो वो भी इंडिया का पार्ट में ही आएंगे, राइट। दूसरा उन्होंने कहा मैरिटाइम एंड एयर स्पेस, मतलब ये जो टेरिटोरियल हमने कहा लैंड टेरिटरी, ये हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके ऊपर का जो एयर स्पेस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंडिया का ही पार्ट रहेगा। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्रूज शिप होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से टिकट्स लेते हैं, टिकट के पैसे लेते हैं, और वो क्रूज शिप जो होता है वो लैंड से थोड़ा सा बाहर जाएगा, राइट, और वहाँ पर वो पूरी रात रुकेगा, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पूरा एक नाइट का कस्टमर से उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। तो वो जो भी वो अर्निंग क्रूज शिप कर रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मैंने इंडिया में नहीं कमाया, वो मैंने बाहर कमाया है, क्योंकि ये जो लैंड होता है, लैंड सरफेस से थोड़ा सा जो बाहर का जगह होता है वो कुछ किलोमीटर तक इंडिया में काउंट होता है, ठीक है। तो वहाँ तक उस बॉर्डर के अंदर आपने जो भी अर्न किया होगा, राइट, भले ही आपने वो ओशन में अर्न किया हो, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। सेम वे इसी तरह अगर ऊपर एयर स्पेस में अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो, आपने देखा होगा अभी एरियल रेस्टोरेंट्स होते हैं, राइट, वो नॉर्मल लैंड से ऊपर ले जाते हैं और वहाँ पर वो डाइनिंग करवाते हैं, राइट, तो वो जो एयर स्पेस होता है वहाँ पे इन्होंने इनकम अर्न किया तो वो इनकम टैक्स से बच नहीं सकते, उनको भी इनकम टैक्स पे करना होगा, बिकॉज आपने वो इंडियन टेरिटोरी के एयर स्पेस में ही क्या किया है, इनकम अर्न किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन कहता है कि इनकम टैक्स जो है वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप इनकम अर्न करोगे तो वहाँ पे वो टैक्सेबल होगा ही हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन का जो हमारा सेक्शन है,
राइट। इसमें आपको दो तरीके के डेफिनेशन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन। डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे क्या, अभी यहाँ पर एक एक जो वर्ड है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने पहले सेक्शन में आपने 11th स्टैंडर्ड में जब आपने बुक कीपिंग अकाउंट्स पढ़ा तब आपने पहले चैप्टर में व्हाट इज डेटर, व्हाट इज क्रेडिटर, व्हाट गुड्स क्या होते हैं, एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ी थी। इसी तरह ये टैक्स टैक्स के सब्जेक्ट के अंदर कौन से टर्म्स आने वाले हैं वो सारे हमें ये डेफिनेशंस में क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो ऐसे तो डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो सारे हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशंस है वो यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन और इंक्लूसिव डेफिनेशन। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या, अ डेफिनेशन इज सेड टू बी एक्सक्लूसिव व्हेन इट डिफाइंस अ टर्म एज मीन्स। मतलब क्या, कि कोई ऐसा वर्ड जिसका डेफिनेशन देते समय हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मीन्स, कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, राइट, और हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, वो ख़त्म हो जाता है, राइट, उसका मतलब ये है, सो एंड सो कहा, ख़त्म हो गया मीनिंग। तो ऐसे डेफिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन कहेंगे। एन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट द मीनिंग ऑफ द टर्म इज एग्जैक्टली एज डिफाइंड बाय द लॉ, राइट, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, जो भी वो डेफिनेशन उसका वर्ड का दिया है उसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, एक्सेट्रा ऐसा कुछ यहाँ पर होगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, राइट। और कुछ डेफिनेशन होते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। इंक्लूसिव डेफिनेशन किसे कहा जाएगा, अ डेफिनेशन इज सेड टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट डिफाइंस द टर्म एज इंक्लूड्स, राइट, वहाँ पे उस वर्ड को डिफाइन करते समय वर्ड यूज़ किया जाता है, इट इंक्लूड्स। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हम इनकम, इनकम का डेफिनेशन अगर हम देंगे तो उसके अंदर बहुत सारे बड़ा लिस्ट है, टोटल 17-18 आइटम्स का, तो वो सारे टर्म्स इनकम के अंदर आते हैं, उसके अलावा लास्ट में दिया गया एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ें रहेंगी वो सारी इनकम का ही क्या रहेगी, पार्ट रहेंगी। तो ऐसे डेफिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लूसिव डेफिनेशन। जैसे हम कहते हैं पर्सन, तो पर्सन का डेफिनेशन का अगर हम बात करेंगे तो पर्सन का डेफिनेशन उन्होंने कहा, पर्सन इंक्लूड्स नॉर्मल इंडिविजुअल, ये फर्म, राइट, कंपनी, तो सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पर्सन के डेफिनेशन के अंडर आते हैं, राइट। तो पर्सन का डेफिनेशन भी क्या हो जाएगा, एक इंक्लूसिव टाइप का डेफिनेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। एन इंक्लूसिव डेफिनेशन इंडिकेट्स दैट टर्म इंक्लूड्स सर्टन एक्स्ट्रा आइटम्स इन एडिशन टू नेचुरल एंड जनरल मीनिंग ऑफ द टर्म। मतलब वो टर्म को मीनिंग देते समय उन्होंने जो दिया हुआ है वो तो रहेगा ही उसमें, बट उसके अलावा और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है, ऐसे डेफिनेशंस को हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव डेफिनेशंस कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको खाली मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि दो तरीके के डेफिनेशन आपके होते हैं, ठीक है। अब मेन पार्ट पर आ जाते हैं हमारे एक एक डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट असेसी। अब ये असेसी कौन होता है, तो असेसी मतलब बेसिकली पर्सन जिसका हम इनकम टैक्स क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस पर्सन को कितना टैक्स पे करने के लिए आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। कैसे रीड करेंगे इसको, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, क्योंकि अभी ये सारे जो सेक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन के वो सेक्शन 2 के अंडर ही आते हैं, लेकिन ये 7 जो है वो क्या है, सब सेक्शन है। अब ये डिक्शनरी की तरह ही चलता है, राइट, कि असेसी आया, इसके बाद आएगा असेसमेंट, उसके बाद आएगा असेसमेंट ईयर, तो एक एक वर्ड, ये जो वर्ड है वो बड़ा होते जाएगा और उसी तरह से सेक्शंस जो है आगे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो असेसी मतलब कौन, तो असेसी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंडर में किसी भी पर्सन को कोई टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है, या तो फिर कोई पेनल्टी, राइट, या कोई चार्जेस जो है वो उसको गवर्नमेंट को पे करना है इस एक्ट के अंडर, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेसी हो जाएगा, ठीक है। तो अ पर्सन बाय होम एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा इज ड्यू, राइट, कि इस साल उसको वो अमाउंट हमें पे करने के लिए आया है, हमें यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो पर्सन हमारे लिए कौन है, असेसी है। अ पर्सन हुज असेसमेंट ऑफ इनकम लॉस रिफंड और फ्रिंज बेनिफिट इज पेंडिंग, राइट, या उसका असेसमेंट बाकी है, राइट, तो वो भी क्या हो जाएगा, पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब ये डीम्ड मतलब क्या होता है, डीम मतलब होता है अज्यूम्ड, कि कई बार क्या होता है कि कुछ पर्सन जो है, अब यहाँ पे बेसिकली इनकम टैक्स के लिए सबसे मेन जो होता है वह होता है आपका पैन कार्ड, बट कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एडवर्टाइजेस होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, बेबी प्रोडक्ट्स एंड ऑल होते हैं उसमें, तो उस केस में क्या होता है, वो बच्चों को फीस पे करते हैं वो लोग, राइट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बट वो बच्चों का तो पैन कार्ड नहीं होता, तो उस केस में वो बच्चों का जो इनकम टैक्स है वो इनकम जो है उन्होंने अर्न किया वो उनके पेरेंट्स के इनकम में क्लब किया जाता है, राइट, तो वो पर्सन क्या हो गया, बच्चे जो हो गए वो क्या हो गए, डीम टू बी असेसी हो गए यहाँ पे, राइट।
तो ऐसे भी जो है वो भी क्या हो जाएंगे, असेसी के डेफिनेशन में आ जाएंगे. ओके, सो एवरी पर्सन हु इज डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट, राइट. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये जो लोग हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, असेसी कहेंगे, राइट. तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो असेसी मतलब जिस पर्सन का हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे, असेसी कहेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट. अब असेसमेंट मतलब क्या होता है, असेसी मतलब पर्सन. अब इस पर्सन का इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं. तो असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल बाय द असेसी, राइट. दिस इज डन इन टू स्टेजेस. सबसे पहले हम उसका टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है वो फाइंड आउट करेंगे, या उसको लॉस हुआ है तो वो कितना है वो फाइंड करेंगे. ठीक है ना, फाइंड आउट द टैक्स पेएबल बाय द असेसी और रिफंडेबल टू द असेसी. तो सबसे पहले हम उसका टोटल इनकम निकालेंगे, क्योंकि अगर उसका टोटल इनकम वो मिनिमम ब्रैकेट जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उससे अगर कम है उसका टोटल इनकम, तो फिर उसको टैक्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा. लेकिन अगर उसका इनकम जो है वो उस मिनिमम ब्रैकेट से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में क्या हो सकता है, उसका हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसके इनकम के हिसाब से उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, कितना परसेंटेज टैक्स लगेगा, वो हम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें करने के लिए हमें सारे हेड्स की क्या करेगी, ज़रूरत होगी. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं. ओके, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ असेसमेंट ईयर. अब असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, अब आप सेक्शन यहाँ पर देख पाएंगे, असेसी का सेक्शन था सेक्शन 27, असेसमेंट देखा आपने सेक्शन 28 था, और असेसमेंट ईयर जो है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9, राइट. तो 27, 28, 29 तीनों सीक्वेंस में है, असेसमेंट, असेसी, असेसमेंट और असेसमेंट ईयर. ठीक है, वर्ड बड़ा होते जा रहा है, मैंने कहा आपको डिक्शनरी की तरह यहाँ पर ये चलेगा. ठीक है, तो इसके आगे जो भी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, राइट, वो इस हिसाब से ये 9 जो है वो आपका बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो ये असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है, तो बेसिकली असेसमेंट ईयर जो होता है वो एक 12 महीने का पीरियड होता है, यानी एक साल का पीरियड. लेकिन ये साल जो होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से. कभी से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है. तो जिस भी साल आप बोल रहे हो असेसमेंट हो रहा है वो ईयर जो होगा हम लोग कब से शुरू करते हैं, 1 अप्रैल से. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि करंट की बात करूँ तो हमारा करंट असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2024-25. हमारा जो ईयर है असेसमेंट ईयर वो 24-25 है, जो कि शुरू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2024 में, और वो ख़त्म कब होने वाला है, 31 मार्च 2025 में. अब इसे असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस साल में हम असेसमेंट करते हैं. लेकिन ये समझिए कि जब भी हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग हमारे करंट ईयर के इनकम पे इनकम टैक्स नहीं कैलकुलेट करते, हम हमारे प्रीवियस ईयर में हमने कितना अर्न किया, यानी कि हमने 2024-25 में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं. लेकिन हम लोग इस साल कौन से इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पिछले साल के इनकम के ऊपर, यानी 2023-24 में हमने कितना कमाया वो हमें अब तक पता चल गया होगा. तो इस असेसमेंट ईयर में हम जो है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं. तो ये ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं उस ईयर को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनकम. तो नेक्स्ट सेक्शन इनकम सब सेक्शन, सॉरी, नेक्स्ट है आपका इनकम सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. यहाँ पर इनकम, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारा एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स ही लिए हैं, एक्चुअल में जो है इसका लिस्ट और बड़ा है. तो ये आपको कभी भी इसकी वजह से पूछा जाता नहीं है सम एग्ज़ाम में भी. तो द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 इज इंक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव फॉर बिलो मेंशन आइटम्स. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिस्ट डाउन की है एक एक करके मैं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके. ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी इनकम हमें किसी से भी मिला है तो वो सब हमें क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाएगा एज ए इनकम, राइट. तो इनकम मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें. ओके, तो ये इसका सेक्शन याद रखना है आपको, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24. इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर के लिए उन्होंने स्पेशली एक सेक्शन डिनोट कर दिया, राइट, वो है सेक्शन 3. तो सेक्शन 2 के अंदर जनरली सारे डेफिनेशंस है, लेकिन खाली प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन जो है इसके लिए अलग सा एक सेक्शन बनाया गया, जिसका नाम क्या है, सेक्शन नंबर 3. तो प्रीवियस ईयर का मतलब तो हमने देखा ही, राइट. अभी मैंने आपको असेसमेंट ईयर के वक्त बताया कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर 2024-25 है. तो इसके पहले वाला जो साल है, राइट,
वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। तो एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। आपका जो भी असेसमेंट ईयर होगा उसके एक पहले वाला साल आपका जो होता है वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो हमारा असेसमेंट ईयर हमने क्या बोला 24-25 था, तो हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 23-24 है, देखिए राइट। तो हमारे प्रीवियस ईयर जो है वो भी 12 मंथ्स का ही होगा, लेकिन वो पिछला साल होगा असेसमेंट ईयर से पहले वाला। तो प्रीवियस ईयर हमारा जो है यहाँ पे पूरे डायरेक्ट टैक्स के लिए राइट क्या रहने वाला है 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, वो है डेफिनेशन पर्सन का। तो पर्सन का डेफिनेशन भी अगेन क्या है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा है पर्सन के अंदर कौन कौन आते हैं, हमने सीखा कि भाई इनकम टैक्स जो है वो किसी पर्सन से राइट उसके इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब खाली ह्यूमन बींग्स के ऊपर इनकम टैक्स होगा ऐसा नहीं है। तो इनकम टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से पर्सन के अंडर इंडिविजुअल भी आएगा, उसके अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम कहते हैं HUF, कोई कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है फॉर्म यानी कोई पार्टनरशिप फॉर्म एंड ऑल राइट, ये सारे लोग जो है वो इनकम टैक्स के एक्ट के अंडर पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये सभी लोगों के ऊपर इनकम टैक्स क्या होता है एप्लीकेबल होता है राइट। तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इनमें से अगर कोई ग्रुप मिलके बिजनेस कर रहा है, कोई एक कंपनी और एक इंडिविजुअल मिल गए या कोई एक फर्म और एक कंपनी मिल गए, तो वो सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएंगे। बाद में भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो वो भी क्या हो जाएगा पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। कोई लोकल अथॉरिटी राइट, लाइक फॉर एग्जांपल आपके BMC हो गए राइट, जैसा हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है मुंबई में अगर हम बात करें तो BMC है, वैसे कोई भी ऐसा लोकल अथॉरिटी जो है राइट वो भी क्या हो जाते हैं उनके ऊपर भी इनकम टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। वैसे ही कोई आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन मतलब क्या होता है, कोई संस्था होती है राइट जो कि रजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट के या कानून के नज़र में उनका एक अलग सा आइडेंटिटी है, तो उनको हम लोग आर्टिफिशियली जुडिशियरी पर्सन बोलते हैं राइट। कोई संस्था या हम कहेंगे कि कोई मंदिर का कोई ट्रस्ट होगा राइट, तो वो ट्रस्ट जो होता है मंदिर का वो भी उनके ऊपर भी क्या होता है इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है राइट। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज अवर सेक्शन नंबर 4 विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब आप बोलेंगे सर कहाँ पे दिया गया ऐसा कि किसी पर्सन से उसके इनकम के ऊपर टैक्स लेना है, किधर लिखा है ऐसा सर? तो ये सेक्शन 4 जो है वो आपको वो इनकम टैक्स को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन से उसके इनकम के ऊपर टैक्स ले सकते हैं। तो वो पावर कौन दे रहा है उसको, सेक्शन नंबर 4। तो ये सेक्शन 4 के अंडर दिया गया है, सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड राइट। ये पूरा स्टेटमेंट है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट में फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। तो यहाँ पे उन लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड एट अ रेट लेड डाउन इन फाइनेंस एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। मतलब बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, एवरी पर्सन मतलब हर किसी को जो भी पर्सन के डेफिनेशन के अंदर आते हैं उनको उनके प्रीवियस ईयर में उन्होंने जो भी टोटल इनकम अर्न किया है उसके ऊपर जो भी हमारे प्रोविजंस है, यानी कि हमने पढ़ा ना इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर्स राइट, जजमेंट्स, वो सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद असेसमेंट ईयर में हम जो असेसमेंट ईयर में हम ये करते हैं राइट। और रेट क्या होगा ये फिक्स नहीं होता, तो एवरी ईयर बजट के हिसाब से जो है वो रेट क्या होता है डिसाइड होगा फाइनेंस एक्ट के हिसाब से। तो फाइनेंस एक्ट में बेसिकली क्या होता है, फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है आपका जो बजट आता है उसे हम फाइनेंस एक्ट कहते हैं। तो एवरी ईयर फाइनेंस बजट निकलता है और उसमें टैक्स दिया जाता है, तो उस टैक्स के हिसाब से जो भी लेट डाउन किया गया है फाइनेंस एक्ट के अंडर आपको वो टैक्स क्या करना है इनकम के ऊपर चार्ज करना है ठीक है। तो बेसिकली इनकम टैक्स चार्ज करना है उन्होंने कहा क्या रेट के हिसाब से जो फाइनेंस एक्ट में दिया होगा, कब, असेसमेंट ईयर में हम करते हैं, कौन से इनकम के ऊपर, तो प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम के ऊपर, हर पर्सन के इनकम के ऊपर आ जाएगा ठीक है ना। तो ये है आपका चार्जिंग सेक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो ये बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम हम लोग कवर करेंगे।